Good morning. Yes. Now everybody is charged. Okay. मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. माई सेल्फ इज पूजा एंड आई एम फ्रॉम कियाना पावर्ड बाय सुनील बजाज. आज हम नेल्स के नए डिजाइन दिखाने वाले हैं और सब नेल्स में क्या चाहते हैं देखना डिजाइन में. ओके पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. आपको क्या लगता है कि नेल्स पे ऐसा कौन सा डिजाइन है जो एवर ग्रीन रहता है? क्या नेल आर्ट में देखना चाहते हैं आप लोग? पेड़, पौधे, फूल और कुछ समथिंग स्पेशल क्या? अच्छा एक बात बताइए, चलिए आपकी गर्लफ्रेंड रूठ जाती है आपसे या आपका बॉयफ्रेंड रूठ जाता है तो आप क्या देके मनाते हो उसको? फ्लावर्स. तो इट्स मोस्ट फेवरेट थिंग फ्लावर्स. तो आज हम अपनी मॉडल के हैंड पे फ्लावर बनाने वाले हैं और सबसे प्रिटी फ्लावर कौन सा है? रोज. यस. पेंटिंग में हम 3D पेंटिंग उसको कहते हैं. अभी तक आपने एक्रेलिक 3D सुना होगा जिसमें हम एक्रेलिक से एम्बोसिंग करते हैं, पर मैं आज आपको पेंटिंग में एक 3D डिजाइन दिखाने वाली हूं जहां आप फ्लावर का ऊपर से पूरा व्यू देख सकते हैं. तो स्टार्ट करें हम लोग. ओके मेरे साथ इस शो में मेरा जो साथ देंगे जो मेरी मॉडल है रिम्पा, प्लीज कम ऑन द स्टेज प्लीज. थैंक यू. मेरी असिस्टेंट जास्मिन, थैंक यू वेरी मच. ब्लैक एक्रेलिक पेंट यूज किया जो मैं अभी ड्रॉ के लिए यूज करने वाली हूं. दैट इज द सेम कलर. आई टेक ब्लैक, व्हाइट, नॉट येलो, ग्रीन. नाउ आई नीड ग्रीन. आई यूज 3 कलर्स. सी आई एम टेकिंग ए स्क्वायर ब्रश. एवरीबडी कैन सी इट्स अ प्लेन ब्रश. जस्ट मैंने पानी में जो डिप किया उसकी उसकी जो नेचुरल शेप है जिससे वो उसमें वापस आ जाए. बिफोर डूइंग नेल आर्ट आई यूजिंग सैंडिंग ब्लॉक बिकॉज मैंने उसको टॉप जेल में क्योरिंग की है एक्रेलिक की पेंट्स की. हम इस ब्रश में हाफ ब्लैक और हाफ व्हाइट लेंगे. सी हाफ व्हाइट हाफ ब्लैक. अभी कलर दोनों अलग अलग है, हमें सब मिक्स करना है. और जूम. आपको नेल पे एक जगह ब्रश रखना है. सब देख सकते हैं मैंने सिर्फ ब्रश एक जगह रखा है उसके लिए लिया है. अगेन आई एम टेकिंग व्हाइट ब्लैक. इधर से हम लोगों ने आमने सामने की पहले हम लीफ बनाएंगे सेम डिजाइन से. जस्ट पहले वन देन उसके बाद सेकेंड. आपको ये सेम एंड पे एंड करनी है. आप देख रहे हैं ठीक है. उसके बाद नीचे हम मैच करेंगे. सब देख सकते हैं लीफ. अब हम इसके अंदर की लीव बनाएंगे. हमने बाहर की आउटलाइन बनाई है फ्लावर की. दिस साइड जो सेकंड पहली लीव थी जस्ट वहां से हम लोग आपको कलर दोनों लेने हैं और जब भी आप कलर लेंगे उसको एक बार मिक्स जरूर करेंगे. बीच की लीफ
एक लीफ और ऊपर से ये हमारा रोज तैयार हो गया. अभी हम इसको और फाइन करेंगे. आई एम टेकिंग ए स्ट्राइपर ब्रश. नहीं दिख रहा है ब्रश. सी आई एम टेकिंग व्हाइट लिटिल बिट. मैं उसी को आउटलाइन कर रही हूं जो हमने लीफ बनाई है, जिससे वो प्रॉपर आपके लिए डिफाइन हो जाए. अब मैं लीफ बनाने के लिए ग्रीन, व्हाइट का टच है तो मैं येलो नहीं ले रही हूं, नहीं तो आप येलो भी ले सकते हैं लीफ में मैच करने के लिए. सर जो मैं काम कर रही हूं वो भी आपको दिखाना होगा. Again taking white. अब जो रोज के बीच में जगह है मैं उसमें हल्का सा सिल्वर ग्लिटर देने वाली हूं. ग्लिटर के लिए मैं ग्लू ले रही हूं, नेल ग्लू जो यूज करते हैं हम एक्सटेंशंस में. ये वाले नए जो कलर्स हैं वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं तो आपको वेट नहीं करना पड़ता उनके सूखने के लिए. और अब हम इसके ऊपर सीधा टॉप जेल लगा रहे हैं क्योंकि हमें इसे परमानेंट करना है. ओके टॉप जेल लगाते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपका टॉप जेल क्यूटिकल को टच ना करें. और जो भी आपने ड्रॉ किया है वो अच्छे से टॉप जेल में कवर हो जाए. स्ट्रेट स्ट्रेट रखो. 3 मिनट्स के लिए. ओके अब हमने छोटा बनाया था, एक बार हम बड़ा रिव्यू देखते हैं इसके ऊपर जिसे आप लोगों को अच्छे से समझ आए. प्लीज आउट एंड ब्लैक कलर्स को मिक्स अच्छे से करें पहले. अदरवाइज जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो वो व्हाइट और ब्लैक अलग अलग दिखेगा. हमको लीफ दिखानी है. लीफ कैसे होती है? लाइट शेड एंड डार्क शेड, दैट्स इट. तो वो कॉन्सेप्ट के लिए आपको दो कलर जो भी उठाते हैं आप, रेड येलो उठाते हैं या पिंक और रेड उठा रहे हैं, तो उन दोनों को मिक्स करना बहुत जरूरी है आपके लिए, जिससे जो उनकी बीच की लाइन है वो खत्म हो जाए. सी हम लोगों ने यहां पे मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगी ये फ्लावर. आपको अपना ब्रश नहीं उठाना है. देन अगेन व्हाइट ब्लैक
सेम साइड में सामने से हम लीव शुरू करेंगे. सी उसके बाद ये आमने सामने लीव बनाने के बाद साइड से हम जोड़ेंगे उसको. अगेन व्हाइट ब्लैक. सबने देखा? अब जो राइट साइड है जहां से हमने पहली लीफ ड्रॉ की थी सेम दूसरी साइड से. बीच की लीफ सी आपने फ्लावर बना लिया. एंड जो हमने लीफ बनाई थी आपको एक जगह ब्रश. दैट्स इट. आप सबको फ्लावर्स दिख रहे हैं? फ्लावर्स की आपको हर लीफ दिख रही है. एक हम पहले फ्लावर बनाते थे ना, जैसे हम कहते हैं कि वाटरमेलन को हम दो तरीके से पेंट कर सकते हैं, एक तो ट्रायंगल पीस करके, और अगर मुझे 3D पेंट करना होगा तो एक हमें उसे साइड वाला व्यू भी दिखाना पड़ेगा. तो दैट इज कॉल्ड 3D पेंटिंग, जहां आपका ऊपर से तीनों तरफ से लुक देख पा रहे हैं, सब एक नीचे का लुक नहीं है, तो इसे 3D व्यू कहते हैं हम लोग. कंफर्टेबल? कम लो. आप देखो ब्लैक कलर के साथ, ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स वेरी सिंपल कलर. आप इसे डेली भी कैरी कर सकते हैं. कॉर्पोरेट वूमेन्स अगर सब पर नहीं चाहती, जैसे मैंने एक फिंगर पे ड्रॉ किया हुआ दैट इज सेम फ्लावर, तो आप एक पर करके सब फ्रेंच में कर सकते हैं. वट एवर क्लाइंट जो भी आपका वेयर कर रहा है या अवार्ड फंक्शन के लिए, आप सब कुछ कर सकते हैं. या प्लीज टच कर सकते हैं आप. ये अभी वाटर प्रूफ हो गए हैं. हमें सिर्फ अपने बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम एक्सटेंशंस करने के बाद हम पानी में हाथ क्यों नहीं दे सकते, फिर हम हाउस होल्ड वर्क कैसे करेंगे. बहुत सिंपल सा रूल है, हमारी स्किन एक्सपांड और कंट्रास्ट करती है. सबको पता है जब हम बहुत टाइम तक पानी में हाथ रखते हैं तो हमारी स्किन ऐसे ऐसे हो जाती है. स्किन जब आप बहुत ज्यादा देर पानी में हाथ रखोगे तो जैसे ही आपकी स्किन कंट्रास्ट करेगी तो ये प्लास्टिक कोटिंग बाहर निकल जाएगी. हम ये नहीं कहते कि आप पानी में हाथ मत करो, पर बहुत लंबे टाइम तक आप पानी में पानी का काम नहीं कर सकते, और अगर आप करना चाहते हैं तो आपको रबर ग्लव्स वेयर करने होंगे. दोनों नेल्स एक साथ करके रिम्बा आप दो. किसी का कोई क्वेश्चन और नेल आर्ट के अगेंस्ट? और अगर ये हमारी एकेडमी भी है जहां हम ये कोर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग. और इसके बारे में अगर आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप कियाना के बूथ पर आ सकते हैं. एंट्री में ही एसबी इंटरनेशनल कियाना का बूथ है.